बरेली के चर्चित प्रेमनगर के कबाब कारीगर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कबाब के 120 रुपए के लिए कबाब कारीगर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी सर्राफ मयंक रस्तोगी और ताजीम शमसी को अपर सेशन जज द्वितीय देवाशीष पांडे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपित मयंक के पिता अनिल रस्तोगी को कोर्ट ने बरी कर दिया। दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी। 3 मई 2023 की रात करीब 11 बजे मयंक और ताजीम बीडीओ ऑफिस के नीचे चिकन और कबाब कॉर्नर की दुकान पर पहुंचे। कबाब का ऑर्डर दिया। खाने के बाद जब बात कबाब के 120 रुपए देने की आई तो कबाब का स्वाद बेकार बता दिया। इसके साथ ही पैसे देने से भी इनकार कर दिया। कबाब बनाने वाला कारीगर नसीर अहमद कुछ समझ भी नहीं पाया था कि मयंक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कारीगर की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब मामले में 10 महीने 18 दिनों के अंदर इस हत्याकांड के दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना 3 मई 2023 की प्रेमनगर में पासपोर्ट ऑफिस के पास की है और ये रात 10 से 10:30 बजे के बीच घटना हुई थी। अभियुक्त मयंक रस्तोगी व ताजिम शमसी कबाब खाने दुकान पर गए थे, जहां पर उसे स्वाद के कबाब के स्वाद को लेकर के कारीगर से झगड़ा हुआ और इन अभियुक्तों ने मृतक नासिर को गोली मार दी थी, जिससे उसकी जो मृत्यु हो गई थी। इस मुकदमे का ट्रायल अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री देवाशीष पांडे जी के न्यायालय में चल रहा था। आज माननीय न्यायाधीश महोदय श्री देवाशीष पांडे जी ने इसमें दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। उसके पिता को भी पुलिस ने भेजा था, उनको दोष मुक्त कर दिया है कि उनके राइफल और पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, इसमें क्या हुआ? उसके पिता अनिल पर 302 धारा का कोई भी आरोप नहीं था। उन पर मात्र आरोप यह था कि उनकी रिवाल्वर पे लाइसेंसी रिवाल्वर का प्रयोग उस घटना में किया गया है, उनको दोष मुक्त कर दिया गया है।